मैम क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? छठ का चार दिन का जो त्यौहार है वो कल से शुरू हो गया है, और छठ दिल्ली वालों के लिए, यहाँ पे रहने वाले हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसीलिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, छठ पर बहुत भव्य आयोजन करती है। दिल्ली के मोहल्ले में हर कॉलोनी में छठ के घाटों का इंतज़ाम किया जाता है, कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं। हम मयूर विहार फेस 3 में हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर पे DDA ग्राउंड्स में तालाब बनाए गए हैं, जो हमारे छठ के व्रती हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह तकरीबन हज़ारों घाट, हज़ार से भी ज़्यादा घाट पूरी दिल्ली भर में बनाए गए हैं। यहाँ पे घाट का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, टेंट का, लाइट का, साउंड का सारा अरेंजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैम कितने घाट इस तरह से आप लोग लगातार दौरा कर रही हैं, कितने घाट तैयार हो चुके हैं, कितनी तैयारियां भी चल रही हैं? देखिए तकरीबन 1000 घाट हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इसके अलावा कई घाट हैं जो MCD द्वारा भी बनाए गए हैं। तकरीबन सब जगह तैयारी पूरी हो गई है। जो हमारे घाट हैं वहाँ पर खुदाई हो गई है, पानी भरा जा रहा है, टेंट का अरेंजमेंट हो गया है, लाइट साउंड का अरेंजमेंट हो गया है। कल सुबह तक सारे अरेंजमेंट्स कम्प्लीट हो जाएंगे, कल शाम को यहाँ पर व्रती आएंगे, पानी में अर्घ चढ़ाएंगे सूर्य देवता को। तो दिल्ली सरकार की तरफ से अरेंजमेंट सारे कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है तो कोई भी कमी ना छूट जाए, इसके लिए हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे पार्षद, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आज दिल्ली के हर हिस्से में ग्राउंड पर है ये देखने के लिए कि छठ की सारी तैयारी हो और इस महापर्व की तैयारी में कोई भी कमी ना छूटे। मयूर विहार फेस 3 में जो ग्राउंड तैयार किया गया है, यहाँ पे कितने लोग पूजा करने वाले आने वाले हैं, और सिक्योरिटी की बात की जाए, सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए, तो किस तरीके की तैयारी? देखिए इस ग्राउंड में तकरीबन 25-30 हज़ार लोग आते हैं छठ की पूजा के लिए, तो यहाँ पे 8 तालाब जो बने हैं, 8 घाट बने हुए हैं जहाँ पे पूजा की जा सकती है। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, अभी हमारे साथ यहाँ पे ACP भी आए हुए हैं जिन्होंने पूरा दौरा किया है, तो दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे मौजूद रहेगी, पूरे एरिया में CCTV कैमराज भी लगाए जाएंगे। उसके अलावा दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट के होम गार्ड्स का भी अरेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि एक छोटे से समय में काफ़ी सारे हमारे व्रती छठ के लिए यहाँ पे आते हैं, तो कोई भी उनको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, उसके लिए हर इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। सूत्री प्लान के अंतर्गत सेवा भी एक प्लान रखा गया है, तो क्या यहाँ पर सभी पार्षद या मौजूदा जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी रहेगी सेवा के लिए? देखिए हमेशा ही जो सारे छठ घाट रहते हैं वहाँ पे पार्षद भी मौजूद रहते हैं, हमारे विधायक भी मौजूद रहते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी हमारे लोकल एरिया के विधायक प्लस हमारे पूर्वांचल के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी सब यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखने के लिए कि जो छठ के व्रती हैं उनको इस महापर्व पे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, तो पूरी यहाँ पे हमारी भी टीम मौजूद रहेगी, वॉलंटियर्स भी मौजूद रहेंगे कि ये छठ का त्यौहार बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके। यमुना को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर राजनीति जो है वो लगातार हो रही है, BJP आप पर हमला लगातार बोल रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरे तो BJP से दो छोटे छोटे से सवाल हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार पे आरोप तो बहुत लगाती है, लेकिन पिछले 3 दिन से उन्होंने अभी तक कोई भी डेटा सामने नहीं रखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी भी राज्य में छठ का कोई इंतज़ाम होता है क्या, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक उन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया है कि उत्तर प्रदेश से क्यों ओखला बराज पर, कालिंदी कुंज पर पोल्यूटेड पानी छोड़ा जाता है, क्यों छठ के समय वो गंदा पानी छोड़ते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो झाग पैदा होती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को उस झाग को साफ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम हर साल करते भी हैं। अगर आप सब कालिंदी कुंज पे इस समय जाएंगे, दिल्ली जल बोर्ड की सारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, इस समय वहाँ पर कोई भी झाग कालिंदी कुंज के बराज पर नहीं है यमुना जी में, लेकिन भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब तो दे कि वो छठ से पहले गंदा पानी यमुना जी में क्यों छोड़ती है। थैंक यू।